हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट नंबर है लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स रन्स डैश टू द इक्वेटर्स। So, ये कहां से, तो वो आंसर हो जाएगा पैरेलल्स टू द इक्वेटर्स में, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल्स होता है। सेकंड आपका आता है द अंटार्कटिक सर्कल इज फाउंड इन द डैश हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्कल है वो पाया जाता है आपका कौन सा सर्कल, तो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर पाया जाता है। देन आपका थर्ड आता है द टेम्परेचर जोन फॉलिंग बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड डैश। तो ये जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है तो इसमें जो और साउथ के बीच में जो होता है टेम्परेचर जो उसे हम टोलरी जोन के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका पोर्ट नंबर द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन डैश टूअर्ड द पोल। तो क्या होते जाता है पोल्स के बीच वो डिक्रीजेस होने स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका द लोकल टाइम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश सन। तो वो मिड डे जो सन होते हैं उस के अकॉर्डिंग टू जो है किसी भी पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका लोकल टाइम जो है क्या किया जाए डिटरमाइन किया जाता है। देन सेकंड आता है ट्रू एंड फॉल्स वाली क्वेश्चन से, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट भी करना है। चलिए आंसर देखें, तो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लैटिट्यूड मेजर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर। देन ऑल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफ द सेम लाइन, ये आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। लाइंस ऑफ लेटिट्यूड डिक्रीजेस इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, पोल्स पर जाकर देखते तो सिर्फ एक पॉइंट हो जाता है। देन द नॉर्थ टेम्परेचर जोन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द नॉर्थ टेम्परेचर जोन लाइज टू द साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल है उसके साउथ में होता है। देन नेक्स्ट आता है द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि एवरी सिटी इन इंडिया हैज इट्स ओन लोकल टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर लोकल टाइम की बात की ना, है ना, लोकल टाइम जो है सन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है और जो इंडियन का जो स्टैंडर्ड जो टाइम है तो वो जो है अलग है। देन नेक्स्ट आपका आता है थर्ड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे फर्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब इज फॉल्स, ग्लोब से रिलेटेड जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोब इज अ टू डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या होता है वो थ्री डायमेंशनल मॉडल होता है। देन सेकंड आएगा व्हाई वाज द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट टेक एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जो ऑप्शन जो दिया गया इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है क्या करना है हमें आइडेंटिफाइड करना है। फर्स्ट तो आपका दिल्ली से पास नहीं होता तो ये आपका क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, डायरेक्टली ओवर द मेरिडियन एवरी डे एट नून, या फिर आपका जो कंफ्यूजन ये वाला आपका पॉइंट आ जाएगा देन लोकल टाइम ऑफ इंडिया सेंट्रल मेरिडियन, सो ये आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शंस में आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो आपका क्या राइट होगा, तो वो सी में है। देन नेक्स्ट आता है आपका द डिफरेंसेस इन टाइम बिटवीन इज सक्सेडिंग डिग्रीज ऑफ लैंग्वेटिज इज, एक जो डिग्री में कितना डिफरेंसेस होता है 4 मिनट 1 मिनट 15 या फिर 1 आवर्स का, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 4 मिनट्स। Then you will gain a day if you travel eastwards from Mumbai to Dash. तो इसमें आपका कैलिफोर्निया यूएसए या फिर टोक्यो जापान सिंगापुर बांग्लादेश, तो यहाँ पर आपको जो है क्या करेंगे आप मुंबई से ईस्टवर्ड जाएंगे तो आपको एक दिन मिलेगा, तो वो आपका क्या होता है कि ऑप्शन हो जाएगा कैलिफोर्निया और यूएसए में। देन फिफ्थ आता है आपका विच ऑफ दिस कंट्रीज विल बी द फर्स्ट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर 2025 टू 2035 न्यू ईयर, न्यूजीलैंड इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, तो वो आपका होगा न्यूजीलैंड होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ब्रीफ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है डिफाइन अ ग्लोब, ग्लोब को आपको डिफाइन करना है, तो ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशन स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ, ब्रैकेट में है नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज बट अ टू रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द टिल्ट एक्सिस ऑफ ग्लोब द टू हेमिस्फीयर्स एंड द इक्वेटर, तो यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रा करना है जो आपके बुक्स में ये वाला डायग्राम आप ड्रा कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिखा है ग्लोब जहां पर टू हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर,
इसका जो एक्सेस जो टिल्ट है और यहाँ पर बीच में आपको इक्वेटर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है कि वाई इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ बांग्लादेश हाफ एन आवर अहेड ऑफ इंडिया, मीन्स जो बांग्लादेश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारे से आधे घंटे आगे है। तो इसका जो रीजन देखें तो बांग्लादेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश कहाँ है तो ईस्ट में है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ बांग्लादेश इज हाफ एन आवर अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज द लॉन्गिट्यूडियन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नियरली 7.5 डिग्री। सो ये क्या होगा 7.5 डिग्री, हमें पता है एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट जो है मीन्स हाफ एन आवर आधा घंटे आगे हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है तो द इंटरनेशनल डेडलाइन जिसे IDL के शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इज एन इंटरनेशनली एग्रीड टाइम चेंज लाइन ड्रॉन अप्रोक्सीमेटली अलोंग द 180 डिग्री मेरिडियन, मीन्स जो एक ऐसा जो डेडलाइन जहां से लाइन जो है क्या हो जाता है डेट जो है चेंज हो जाता है, एक लाइन जो है इमेजरी जो लाइन है 180 डिग्री हमारा जो मेरिडियन है जो लॉन्गिट्यूडियल लाइन से। सो देयर इज द डिफरेंसेस ऑफ वन कैलेंडर डे ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन, मीन्स एक दिन का जो डिफरेंसेज है हमें यहाँ पर अगर इस इंटरनेशनल डेडलाइन को आप क्रॉस करेंगे तो एक दिन आप जो है आगे या पीछे हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 25 जून टू द वेस्ट लेफ्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन इट विल बी 24 जून टू द ईस्ट राइट ऑफ द IDL, मीन्स अगर आप यहाँ पर है IDL में खड़े हुए आप इधर चले जाएंगे या फिर इधर जाएंगे तो आपका जो डिफरेंसेस है एक दिन का आपको मिलने को मिल जाए जून आपका हो जाएगा। अगर आप जो है वेस्ट में है ईस्ट साइड है ना 24 जून है तो आप ये जो क्रॉस कर जाएंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा वो 24 जून हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द अर्थ ग्रिड, अर्थ ग्रिड क्या होता है तो आंसर देखें द अर्थ ग्रिड और द ज्योग्राफिकल ग्रिड इज अ ग्रिड फॉर्म बाय द पैरेलल्स एंड अ मेरिडियन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ राइट एंगल्स, इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस, मीन जो मेरिडियन अर्थ का जो ग्रिड कहे तो यहाँ पर जो पैरेलल्स में हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स होता है तो वो आपस में इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को एक जगह पर राइट एंगल पर काटते हैं तो ये जो काटना एक जो जाल बनता है ना तो इससे ही हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जो पर्टिकुलर अर्थ के जो सरफेस को पहचानने के लिए जिसे हम अर्थ ग्रिड कहते हैं। देन नेक्स्ट डिटेल वाले आंसर इसके क्वेश्चन हम देखें, फर्स्ट आता है डिफरेंटिएट बिटवीन लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। आंसर देखें तो यहाँ पर लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स इधर और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इस साइड, दे आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ग्लोब, दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ पैरेलल्स, मींस ये जो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो एक्चुअल में हमारे अर्थ में ऐसा कोई लाइन नहीं है बट हम जो है मैप में ग्लोब में इमेजिनरी लाइन्स जो है बनाते हैं और ये जो है हॉरिजॉन्टल होता है जिसे हम स्लीपिंग लाइन्स कहते हैं ना। आप देखोगे शॉर्ट पे याद ने के लिए जो लेटिट्यूड्स है वो स्लीपिंग सोया हुआ जैसे रहते हैं हम सोते हैं ना, और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो स्टैंडिंग में सब खड़े रहते हैं खड़ी लाइन है। सो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स दे आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन वर्टिकली अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ग्लोब फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दे आर आल्सो नोन एज अ मेरिडियन, हम जो है लैटिट्यूड्स है उसको पैरेलल्स के रूप में जानते हैं तो मेरिडियंस के रूप में हम लॉन्गिट्यूड्स को जानते हैं। देन द पैरेलल्स डिक्रीजेस इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, जो पैरेलल्स का जो लेंथ है वो इक्वेटर से जाते जाएंगे तो पोल्स की वो डिक्रीज होने लगता है छोटा होने लगता है। देन ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, और मेरिडियंस जो हमारे लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो इक्वल लेंथ है साइज में इक्वल ही होते हैं, देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लेटिट्यूड्स ऑन द होल, मींस 180 डिग्रीज होता है हमारे लेटिट्यूड्स और आपके जो देखोगे तो देयर आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इन अर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स है वो 360 डिग्रीज होता है, तो ये डिफरेंसेस हुए। देन नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट कॉज द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो यहां पर जो है अनइक्वल जो हीटिंग्स के बारे में आपको बताने हैं तो ड्यू टू द टिल्ट नेचर ऑफ द अर्थ एक्सिस देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट और सोलर एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन अनइक्वल हीटिंग, द अमाउंट ऑफ हीट और सोलर एनर्जी ऑफ प्लेस गेट्स डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेस एट दैट प्लेस, मीन्स आपका क्या होता है कि जो हमारा जो टिल्ट नेचर जो थोड़ा झुका हुआ है ना अर्थ का जो एक्सिस तो सोलर का जो रेडिएशन जो एनर्जी जो पड़ता है उस पर डिपेंड करता है, सो द मोर डायरेक्ट द रेस ऑफ द सन द मोर विल बी द हीट रिसीव,
द मोस्ट लाइटिंग द रेज द लेस विल बी द हीट रिसीव्ड। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारा अर्थ है यहां से सन के जो है रेज आ रहे हैं, तो आप देखिए कि यहां पर डायरेक्टली जो है सन रेज पड़ेगा तो यहां पर ज्यादा हीट आएगा, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा अर्थ हीट होगा, बट यहां पर जो है क्या होगा तिरछी जो है लाइंस जो है आपको दिखाई दे रही है सन रेज का, तो लार्ज एरिया पर वो कवर करेगा तो यहां पर जो हीटिंग है वो कम होगा। तो इस तरीके से ये सेकंड का आंसर हुआ। देन आपका थर्ड आता है डिस्क्राइब द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टेम्परेचर जोन आपको बताने हैं, तो द अर्थ जो टेम्परेचर जोन है उसे हम प्राइमरली थ्री टेम्परेचर जोन में जो है डिवाइड करते हैं, जो बेस्ड है आपके सनलाइट जो रिसीव करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें टोरिड जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, जो ये लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इन हाई टेम्परेचर, मीन्स ये जो है डायरेक्टली सनलाइट जो है रिसीव करता है पूरे साल भर। फिर आपका टेम्परेट जोन आता है, जो आपके जनरली लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल 65 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, रिसीव्स लाइट सनलाइट एट द ऑब्लिक्यू एंगल्स रिजल्टिंग इन द मॉडरेट टेम्परेचर। फिर आपका लास्ट आता है फ्रिगिड जोन, जिसे हम पोलार जोन भी कहते हैं, तो ये जो है लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, रिसीव सनलाइट एट द वेरी ऑब्लिक एंगल्स रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, उससे हमें समझ आएगा। ये आपका जो देखने को मिल रहा है ये सबसे टोरिड जोन है, डायरेक्टली जो सनराइज यहाँ पर पड़ता है ना, तो इसे हम टोरिड जोन कहते हैं। देन आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इधर आपका आर्कटिक सर्कल, बीच में जो है ये जो नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन टेम्परेट जोन और इधर आपका सदर्न जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आप जो है नॉर्थ पोल में इधर आप चले जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है आर्कटिक सर्कल से ऊपर में आपका नॉर्थ पोल के बीच में फ्रिगिड जोन, और इधर नीचे साउथ में आ गए तो इधर भी आपका फ्रिगिड जोन आपको देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली जो सन रेज के ऊपर डिपेंड करता है ये जोन का। देन नेक्स्ट आता है आपका सपोज अ प्लेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू जापान, द फ्लाइट लीव द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एट 11 PM ऑन ट्यूजडे, द फ्लाइट टेक्स 15 hours, वेन विल इट लैंड इन जापान, हैव द पैसेंजर लॉस्ट और गेन अ डे। आंसर देखें तो यहां पर होता है द यूएस इज टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन। यूएस क्या है इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट में है, व्हाइल जापान इज टू द वेस्ट ऑफ इट्स। सो सपोज द फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम द यूएस ऑन ट्यूजडे 9 January एंड क्रॉस द इंटरनेशनल डेडलाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस मीन दैट द पैसेंजर लैंडिंग इन जापान विल हैव टू एड अ कैलेंडर डे। सो इंस्टेड ऑफ वेडनेसडे 10 January they will have landed when it is in Thursday, so 11 January in Japan, so thereby losing a day in an entire 24 hours. Since the flight is started at 11 PM on the Tuesday 9 January and takes 15 hours, it should land on Wednesday 10 January at 2 PM. However, it will be actually land when it is 2 PM on Thursday 11 January in Japan. मिस यहाँ पर आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि आपका जो यूएसए है वो ईस्ट में है, इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट साइड है, और जापान आपका कहाँ पर पड़ता है वेस्ट साइड पड़ता है। सो अब यूएसए से वो जो है क्या हुआ 9 January को निकला, सपोज वो जो क्या था ट्यूजडे था, तो अब जो है वो क्या प्लेन जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को कहां से ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेगा, ईस्ट से वो कहां जाएगा वेस्ट की ओर जाएगा, दिस मीन पैसेंजर है वो जापान में लैंड करेगा तो उसको एक कैलेंडर डे एड हो जाएगा। तो वो वेडनेसडे 10 को जनवरी को वो क्या करना था लैंड करते थे, बट वो एक्चुअली में पहुंचते हैं कहां थर्सडे 11 जनवरी इन जापान को। सो इस तरीके से देखे तो फ्लाइट है वो 11 PM को ये ट्यूजडे 9 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 15 hours उसको लगा, तो उनको जो है वेडनेसडे को लैंड करना था, बट वो क्या है 10 जनवरी एट 2 PM। हाउएवर इट विल बी एक्चुअली लैंड व्हेन इट इज 2 PM ऑन थर्सडे, मिस वेडनेसडे को छोड़ उनको कहां चला लैंड करना पड़ा, उसको थर्सडे को लैंड करना पड़ा, क्योंकि वो जो है जापान जो है वेस्ट में होने कारण से ऑलरेडी उनको एक डे क्या हो जाता है जापान के पास कैलेंडर डे एड हो जाना चाहिए, बट वो एक्चुअल में क्रॉस करने कारण से एक दिन और उसका एड हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका इस
क्वेश्चंस का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका, हाउ आर लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड यूजफुल टू अस। आंसर है, लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूजफुल टू अस आर यूज टू एक्यूरेटली प्लॉट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मीन्स कोई भी जो पर्टिकुलर जो लोकेशन है तो उसको प्लेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए अर्थ की कोई भी जो प्लेस है उसको हम लैंड्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, यूजफुल है। हेल्प अस लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप और ग्लोब इजीली। साथ ही साथ हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करके कोई भी जो प्लेस है उसको लोकेट कर सकते हैं इजिली ग्लोब पर। देन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हेल्प अस डेमोक्रेट एंड डिटरमाइंस द डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स। डिफरेंट जो टेम्परेचर हमने जोन देखा तो उनको डिटरमाइन करने के लिए भी, डेमोक्रेट करने, बताने के लिए, दिखाने के लिए भी हमें हेल्पफुल करता है क्या, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। देन द लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस मेजर द लोकल स्टैंडर्ड टाइम एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या हेल्प करता है, जो लोकल जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको दिखाने के लिए और जो डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके बीच जो टाइम डिफरेंसेज है डिस्टेंस को बताने के लिए भी हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स है हमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।